वाह, कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर। वाह, ठंडी ठंडी हवा, बारिश का मौसम। ऐसे में तो ना एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय होनी चाहिए। क्यों भाविका, हो जाए हो जाए। वैसे भी कोई खास काम तो है नहीं है मुझे, भाई भी काम करके चली गई है, ना कोई आएगा ना कोई डिस्टर्ब करेगा। आज तो ना मैं फुल ऑन रेस्ट करने वाली हूँ और इस रोमांटिक से प्यारे से मौसम को एंजॉय करने वाली हूँ। ओह माय गॉड, माय गॉड, इसे कहते हैं चैन की जिंदगी जीना। नहीं तो हर वक्त बच्चे हस्बैंड किचन घर बाई, बच्चे हस्बैंड किचन घर ब्ला 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 ब्ला। मेरी अदरक वाली चाय। लो जी, आ गई कोई नई फरमाइश। जरा सी बारिश हुई नहीं है कि इन साहब को पकौड़े खाने का मन कर गया। चैन नहीं है मेरी लाइफ में भी। हेलो हेलो। हाँ भाविका, मैं कह रहा था कि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखा तुमने कितनी अच्छी बारिश हो रही है आज बाहर। अच्छा, बाहर बारिश आ रही है? मुझे तो पता ही नहीं है, फुर्सत ही कहाँ है सुबह से, बाई भी नहीं आई है और सारा घर का काम करना पड़ रहा है मुझे। ओहो, काम वाली बाई भी नहीं आई है आज, फिर तो बहुत काम है आज तुम्हारा, बहुत बिजी हो लगता है आज तो तुम पूरा दिन। हाँ बहुत बिजी हूँ, बर्तन मांज रही हूँ ना। अच्छा सुनो भाविका, आज शाम का क्या प्लान है तुम्हारा, मतलब फ्री हो क्या थोड़ी देर के लिए? फ्री और मैं, क्या बात कर रहे हो, अभी बर्तन मांज रही हूँ, फिर सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर खाना बनाना है। आज तो रात हो जाएगी, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है आज मेरे पास। और तुम पूछ रहे हो कि शाम का प्लान क्या है। हाँ ओके, चलो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वैसे काम था क्या शाम को? हाँ कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस में बैठे बैठे कुछ प्लान कर रहा था। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर और बहुत दिन हो गए हैं मुझे कुछ प्लान किए हुए, तो सोचा आज कुछ हो जाए। बैठे बैठे प्लान कर रहा था, जैसे मुझे पता नहीं है ना पकौड़े खाने की प्लानिंग हो रही है। नहीं वैसे प्लान कर क्या रहे थे तुम? नहीं बट रह नहीं दो भाविका, वैसे भी आज तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर प्लान करके भी क्या होगा। अरे फिर भी बताओ तो सही। अरे रहने दो भाविका, सुन के फिर से तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और वैसे भी आज तो तुम्हारे पास काम ही बहुत ज्यादा है। अरे हद है, बिना बात के आज तक मैंने कभी गुस्सा किया है क्या? जल्दी बताओ ना क्या काम है, देखो अब मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर। वो एक्चुअली मूवी का प्लान बना रहा था मैं। मूवी का प्लान? बट टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास भाविका, रहने दो फिर कभी सही। आज शादी के इतने सालों बाद बिना कहे खुद से मूवी का प्लान बनाया है, क्या बात है। वैसे कौन सी मूवी का प्लान बना रहे हो तुम? वो सब तो अब तुम बताओगी भाविका, ये तो अब तुम्हारा डिपार्टमेंट है, कौन सी मूवी देखने लायक है कौन सी मूवी देखने लायक नहीं है, तुम जो मूवी कहोगे वही देख लेंगे। बट नो 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 नो, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, काम ही इतना ज्यादा है आज तो तुम्हारे पास। नहीं सुनो, देखो 2-3 घंटे तो मैं स्पेयर कर सकती हूँ, इतना टाइम तो मैं निकालूंगी। अब तुम इतने प्यार से बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए तो मैं 2-3 घंटे आराम से निकाल लूंगी। मैं ना ऐसे करती हूँ कि मैं सारा काम ना फटाफट से कर देती हूँ, तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल फ्री होंगी, ठीक है? रियली वाओ, थैंक यू सो मच भाविका, आई लव यू फॉर दिस। वैसे तुम्हारा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तुम तो आधे घंटे में फ्री हो जाओगी। आधे घंटे में, वो कैसे भला? अरे तुम्हें तो सिर्फ पकौड़े ही बनाने हैं ना, तो वो तो तुम आधे घंटे में बना दोगी। वो क्या है ना कि आज ऑफिस के सारे फ्रेंड्स ने मिलके प्लान बनाया कि मेरे घर पे आके OTT पे कोई नई पिक्चर देखेंगे, और इतने प्यारे मौसम में तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय हो जाएगी ना, तो मूवी का मजा दुगना हो जाएगा भाविका। What? हेलो, बोल क्यों नहीं रही हो भाविका? अरे जवाब तो दो, क्या हुआ? अच्छा सुनो, मेरे लिए पनीर के पकौड़े जरूर बनाना प्लीज। हाँ और देखा आपने, यही होता है हर बार। अब इतने प्यारे से रोमांटिक से मौसम को एंजॉय करने के बजाय ना मैं गर्मी में किचन में पकौड़े तलूंगी। आ जाओ ना आप सब लोग भी मिलके पकौड़े तलेंगे।
ओके तो पकौड़े तलने से पहले ना मैं आपको बताती हूँ लकी विनर्स के नेम्स। लेकिन लकी विनर का नेम बताने से पहले मैं आपको उसका राइट आंसर तो बता दूं कि किस किस ने राइट आंसर दिया। सो द राइट आंसर वॉज 14। और अब उन पांच लकी विनर्स के नेम्स मैं बताती हूँ जो जीते हैं पेटीएम कैश वर्थ रुपीज 100 ईच। उनके नेम्स हैं राहुल पापड़ीवाला, नेहा सिंह 2413, नितेश मुंद्रा, रचना कैप्टन आई कैप्टन, हर्षपाल सिंह बल्लावत। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप पांचों को मिलते हैं पेटीएम कैश वर्थ रुपीज 100 ईच। और अब उन दो लकी विनर्स के नेम्स जो जीतते हैं 250 रुपीज ईच, उनके नेम्स हैं, कितने लकी हो यार, घर बैठे आप लोग पैसे जीत रहे हो और मैं पकौड़े तलूंगी अभी बारिश के मौसम में, क्या यार सच्ची मेरी अदरक वाली चाय का भी ना टेस्ट सारा खराब कर दिया। हाँ चलो विनर्स के नेम्स बताती हूँ। अब वो दो लकी विनर्स जो जीते हैं 250 रुपीज ईच, उनके नेम्स हैं भूमि बंसल एंड लावण्या मूलचंदानी। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों को 250 रुपीज ईच मिलते हैं। अब वो एक लकी विनर जो जीते हैं पेटीएम कैश वर्थ 500। आपको कौन से पकौड़े पसंद है? मुझे ना वो प्याज वाले कांदा पकौड़ा बहुत पसंद है मुझे। हाँ तो अब उस लकी विनर का नेम जो जीते हैं पेटीएम कैश वर्थ 500, उनका नेम है स्नेहा छाबड़ा। कंग्रेचुलेशंस स्नेहा, आपको मिलते हैं पेटीएम कैश वर्थ 500। पार्टी कर लेना। अच्छा मैं चलती हूँ पकौड़े तलने के लिए। अच्छा आप लोग फटाफट से ना मुझे अपने पेटीएम नंबर सेंड कर दो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मैं आपको फटाफट से आपका प्राइस मनी सेंड कर देती हूँ। और थैंक यू सो मच, 1K फैमिली हो गया है। ओके नाउ व्हाट, जल्दी ही एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। पकौड़े तलने जा रही हूँ, खाओगे क्या?